राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर खंडपीठ ने लॉकडाउन के तहत विभिन्न राज्यों में फंसे प्रवासी राजस्थानियों और पैदल आने वाले श्रमिकों को अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार क्या कर रही है, इसको लेकर जवाब मांगा। एक जनहित याचिका में 19 लाख प्रवासी लोगों की सुरक्षित घर वापसी के लिए चरणबद्ध योजना की मांग की गई थी। इसको लेकर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा। इस मामले में अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। खाने को खाना नहीं है, उन लोगों से सरकार ये उम्मीद कर रही है कि वो एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करके अपना ई पास एंड्रॉयड फ़ोन से बनाए। और ई मित्र की जहाँ तक ये बात कर रही है गवर्नमेंट, तो बॉर्डर के पॉइंट पर जंगलों में जहाँ बैठने को जगह नहीं है, वहाँ 46 डिग्री टेम्परेचर्स पर लोग वहाँ हजारों की तादाद में बॉर्डर पर बैठे हैं और उनके पास वहाँ ना ई मित्र हैं जहाँ से वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ना उनको वहाँ से ई पास मिल सकता है। तो माननीय न्यायालय ने इन सभी तथ्यों को गौर करते हुए सरकार को कल ही जवाब पेश करने के लिए कहा है और शुक्रवार को वापस सुनवाई मुकर्रर की है। शुक्रवार को माननीय न्यायालय अगली सुनवाई करेगा।